न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। इन दिनों राजनीतिक विचारधारा इतनी गंदी हो चुकी है कि लोग चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। समाज सेवा का चोला उढ़कर अपनी तिजोरी भरने वाले सिर्फ समाज सेवा को छोड़कर कई हथकंडे अपनाकर विरोधियों को पटखनी देना चाहते हैं। हद तो तब हो जाती है जब 90 वर्षीय वृद्ध का नाम शासकीय कर्मचारियों से साठ गांठ कर काट दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 90 वर्षीय वृद्ध का नाम ही काटा गया है, बल्कि उनके परिवार और समाज के आधा दर्जन से अधिक लोगों को वोट डालने से ही वंचित कर दिया गया। पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी से की गई, लेकिन पीड़ित को न्याय नहीं मिल पा रहा है। दरअसल मामला ग्राम पंचायत बिलहा वार्ड क्रमांक 10 एवं 11 जनपद पंचायत रीवा का है। बताया जाता है कि राम सुंदर सिंह अपने वार्ड के पुस्तैनी निवासी हैं और कई चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इनके वार्ड के विरोधियों ने राम सुंदर सिंह, रुक्मणी पांडे, आरती विश्वकर्मा, ज्योति विश्वकर्मा, रामजी विश्वकर्मा, राम निवास विश्वकर्मा सहित अन्य का नाम भी मतदाता की सूची से ही कटवा दिया। अब 90 वर्षीय वृद्ध अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव में वोट डालने की इच्छा रखते हुए कलेक्टर से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं वृद्ध ने क्या कहा। मैं रीवा विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत पंडिया के ग्राम बलहा का निवासी, करीब 67 से लेकर अब तक मंडी, कृष्णराज मंडी पंचायत चुनाव, जनपद चुनाव लड़ चुका हूँ। 22 की मतदाता सूची ग्राम पंचायत, 21 की 22 की विधानसभा सूची में मेरा नाम है, मेरे वार्ड के लोगों का नाम है। लेकिन इस समय जब पंचायत का विभाजन वार्ड विभाजन के समय लोगों का नाम रिलीज कर दिया गया है, वार्ड नंबर 7 से 2 नाम और वार्ड नंबर 11 से 2 नाम, वार्ड नंबर 10 से 6 नाम। इस संबंध में हमने कलेक्टर से, अपर कलेक्टर या SDM के यहाँ आवेदन दिया, लेकिन क्या कार्रवाई हुई मुझे सूचित नहीं हुआ। अब मुझे मेरे मौलिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है।